नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट 24, आईना सच का। मैं आपके साथ एनी वर्मा। आइए रूबरू करवाते हैं देश की कुछ खास खबरों से। स्मार्ट साउंड, आज बदायूं जिले के थाना उसैद का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने निरीक्षण किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाने पर पहुंचकर सबसे पहले सीसीटीएनएस और महिला सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। इसके बाद सारी व्यवस्थाएं जानी, जिसमें मालखाना, बैरक, महिला आवास का जगह जगह जाकर बारीकी से निरीक्षण किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना अध्यक्ष राजीव कुमार के सभी कामकाज की सराहना की और जमकर तारीफ करते हुए कहा कि सभी पुलिस अधीक्षक राजीव की तरह काम करें। हड़ताल में ये भी देख रहा हूँ, आवासीय व्यवस्था कैसी है, उनके रहने सहने की सुविधाएं कैसी हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, जितने लोगों को ठीक करा सकते हो ठीक कराएगा, कराते ये पॉइंट रहता है। दूसरा ये रहता है कि थाने में साफ सफाई कैसी है, उसमें और क्या सुधार हो सकता है, ये रिकॉर्ड्स कैसे हैं, इनका जो क्राइम के दृष्टिकोण से जो चीज़ हमें करनी होती है वो मिला के रिस्पॉन्डिंग करते हैं। दूसरा आज इन्होंने यहाँ जो बुलाया हुआ है जो इसके क्षेत्र के सम्मान रखती हैं। जनपद के थाना बिसौली क्षेत्र में एक गैस रिफिलिंग की वजह से मारुति वैन में आग लगी, बाल बाल बच गए गाड़ी में बैठे लोग। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया, खुलेआम गैस रिफिलिंग के चलते बड़ा हादसा होने से बचा। यूपी के बदायूं जिले में आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उनमें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। रात हो या दिन, अपराधी चाहे जल घटना को अंजाम दे डालते हैं। बदायूं में दिन दहाड़े एक युवक की धारदार हथियार से मार कर हत्या कर दी गई, आरोपी फरार भी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमास्टर के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस की माने तो वो इस मामले में रंजस हत्या मान रही है। आपको बता दें, मामला बदायूं जनपद के बिसौली कोतवाली के मोहल्ला मल्यान का है। बताया जा रहा है कि युवक जिसकी उम्र 23 साल के लगभग है, वो बड़ेगी का काम करता था, जिसकी अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है। 22-23 साल के एक बढ़ईगिरी का काम करने वाले फारूक की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है और डेड बॉडी उसकी कमरे में ही मिली है। उसके हत्या से संबंधित जो आला कत्ल है बसुला, वो बरामद हो गया है, कुछ और सुराग मिले हुए हैं, शीघ्र हत्या का अनावरण। बदायूं जनपद की सभी आशा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई है। आशा अपनी मांगों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बैठी है। आशाओं की मांगे हैं कि उनका वेतन बढ़ना चाहिए। आपको बताते चले, बदायूं जिले की तहसील बिसौली में आशा कार्यकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी और चेतावनी देकर बैठ गई कि बताया जा रहा है कि अपनी एक मांग को लेकर सभी आशा धरना दे रही हैं। आपका मालती सिंह आशा ब्लॉक अध्यक्ष, यहाँ धरने पर बैठी है, क्या मांग है आपकी? हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा नियमित वेतन होना चाहिए। अब तक मिल नहीं रहा था नियमित वेतन? जी नहीं, हमको प्रोत्साहन राशि मिल रही थी जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं।